हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विचगियर ट्रेनिंग जोन। आज हम सीखेंगे एनालॉग टाइम स्विचेस के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ कैट नंबर, तो कैट नंबर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ कैट नंबर दिया होता है, ये कंपनी का कोड होता है कि ये कैट नंबर किस प्रोडक्ट को दिया गया है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो सिंपल ये कैट नंबर से आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज मतलब 240 वोल्टेज एसी 50 या फिर 60 हर्ट्ज, मतलब आपको इसको यूज़ करना 240 वोल्टेज एसी पे, डीसी पे यूज़ नहीं करना। और वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 240 होनी चाहिए, 415 पे भी यूज़ नहीं करना। टाइप क्यूटी मतलब डेली, नेट क्वांटिटी एक नग, इसके अंदर एक पीस होगा, और एमआरपी को ध्यान ना देते हुए, बिकॉज आपको बेसिकली क्या चाहिए? फीचर चाहिए। अगर वो फीचर आपको अच्छे से मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाती है, तो प्राइस मैटर नहीं करता। तो ये एलएनटी का प्रोडक्ट है आपके पास, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर से ये हमारा टाइमर निकाल लिया। तो फाइनली ये मेरे पास आ गया मेरा टाइमर। तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये है डायलर, मतलब ये आपका एक डायल है जिसकी मदद से आप क्लॉक को सेट करते हो, मतलब जो भी आपको टाइम सेट करना है इसकी मदद से आप सेट कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में पिन दे रखा है। यहाँ पे इस पिन का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार लोग टाइम तो सेट कर देते हैं लेकिन बोलते हैं कि ये तो ऑन ऑफ ही नहीं कर रहा, तो आपको ये पिन देखना है। अगर ये पिन आप ऊपर कर दिया आपने, तो अगर मैं इसको ऊपर कर दिया, इसका मतलब आपने इस टाइम स्विचेस को परमानेंट ऑन करने की कमांड दे दी, मतलब वो क्या करेगा, हमेशा के लिए ऑन करके रखेगा, जो भी आपका लोड है उसको ऑफ नहीं करने देगा, ठीक है। और अगर आपने इसको नीचे कर दिया, तो नीचे का मतलब ये परमानेंट ऑफ करके रखेगा, मतलब वो चीज़ हमेशा के लिए ऑफ रहेगी। आप भले से टाइमिंग सेट कर दो इसके अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो भी आपने टाइम सेट कर रखा है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग अगर ऑन ऑफ करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्विच का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइम सेट कैसे करना है। तो सपोज करिए अभी 6 बज रहा है, क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, तो आपको 6 बजे सेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलिए मैं 6 बजे आता हूँ इसके अंदर। तो इसमें देखो कि इसमें कुछ सुई बनी हुई है, तो जो छोटी सुई है आवर की, मतलब ये घंटे की सुई है, और ये मिनट की। तो अभी मुझे 6 बजाने हैं, तो अभी नियर अबाउट ये हो गया 6, अभी कितना बज गया, 6। अब आप देखोगे सुबह के 6 या शाम के 6, मुझे नहीं पता कि सुबह के 6 बजने वाले हैं या शाम के 6, इस टाइमर को भी नहीं पता। तो इस टाइमर को पता है, लेकिन कैसे पता है? अब आप देखोगे ये बड़ी वाली सुई, यहाँ पे देखो काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 24 काउंटिंग, मतलब 24 घंटे के हिसाब से इस पे क्लॉक बना हुआ है। तो मतलब इस अभी देखोगे ये यहाँ पे आपको ये एरो देखना है, इस एरो का मतलब क्या है, 18, मतलब अभी 18 बजे नहीं, कितने बज रहे हैं, 18। तो 18 कब बजते हैं, शाम के 6 बजे 18 बजते हैं। तो अगर आपने अभी इसको इस 6 पे लगाया, तो मतलब शाम के 6 बजे देख रहा है, कितने बजे देख रहा है, 6 बजे नहीं, मुझे सुबह के 6 बजे करने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दोबारा इसको घुमाना है और दोबारा से इसको 6 पे लेगा। अभी ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा घुमा के इसको ले गया, उल्टा नहीं घुमाना। आपको ये भी बात ध्यान देनी है, आपको ये जो डायल दे रखा है, जो भी आप ये क्लॉक दे रखी है, इसको उल्टा घुमाने की कोशिश नहीं करना, और इस सुई को भी उल्टा नहीं घुमाना, बिकॉज अगर आपने उल्टा घुमा दिया तो आपकी ये नीडल भी टूट सकती है, और इसके अंदर का जो गियर है, जो इसका मैकेनिज्म है, वो भी डैमेज हो सकता है। तो अगर ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसको वापस से घुमा के ले जाओ 6 पे, ठीक है। तो अभी मुझे कहाँ पे लेके आना है इसको, 6 पे लेके आना है। तो अभी मुझे लेके आना है इसको 1:05 बज गए, देन अब ये बज गए 6। तो अभी देखोगे कितने बज गए, 6 बज रहे हैं, पहले कितने बजे, 18 बज रहे थे, अब कितने बज के 6, मतलब अभी सुबह के 6 बजे पे मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं एक बार दोबारा आपको बताऊं कि 9 बजे, तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर आपको क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सुबह का 6 या शाम का 6, मैं बोलता हूँ शाम का 6। तो शाम का 6 बजे का मतलब, सॉरी हम 9 की बात कर रहे हैं, अगर सुबह का 9 या फिर शाम का 9, तो मैं बोलता हूँ आपको शाम के 9 बजे। तो शाम के 9 बजे का मतलब 21 बजे, कितने बजे, 21। तो मुझे 21 पे सेट करना पड़ेगा। तो अब देखोगे यहाँ पे देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 21। तो ये हो गया मेरा शाम के 9 बजे टाइमर रेडी, अपने टाइम को इसने सेट कर दिया, मतलब मैंने इसको टाइम को बता दिया कि अभी शाम के 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ को हमें, जो भी हमारा लोड लगा हुआ है, इसको ऑन ऑफ कब करना है, मतलब कैसे करना है।
तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आप देखोगे कि हर यहाँ पे कुछ पिन दे रखे हैं ब्लैक कलर के। इस यहाँ पे सबसे पहला रोल इन पिन का है, ये पिन मदद करते हैं कोई भी चीज़ को ऑन या फिर ऑफ होने में। तो अभी सपोज करिए 9 बज रहा है, मुझे आप जो भी मेरा लोड है उसको 9 से 10 बजे तक ऑन नहीं करना, 9 से 10 ऑन नहीं करना, मुझे ऑन करना है 10 से 11 ऑन करना है। तो ये जो पिन है इसके अंदर देखेंगे एक घंटे अंदर कितने पिन है, 4 पिन है आपके, 1 2 3 4, मतलब एक घंटे अंदर 4 पिन है, मतलब एक पिन का मतलब 15 मिनट। तो इस एनालॉग टाइमर टाइम के अंदर, इस एनालॉग टाइम स्विच के अंदर आपको 15 मिनट का टाइम इंटरवल देना पड़ेगा, बिकॉज को इसी हिसाब से सेट किया गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 से 10 चालू नहीं करना, 10 से 11 करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 11 की सारी स्विच चालू कर देनी, 1 2 3 4, ये चालू कर दी मैंने चालू। इसका मतलब वो जो लोड लगा हुआ है जब ये सुई घूमना स्टार्ट कर देगी, जब 9 से 10 जाएगी तो चालू नहीं करेगी, लेकिन जैसे 10 बजा तो 10 से लेके 11 बजे तक वो क्या करेगी, लोड को चालू करके ही रखेगी। मैं बोल रहा हूँ कि अब 11 से 12 बजे तक लोड बंद रहे, चलो कोई बात नहीं, बंद मैं कॉल नहीं करूँगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 12 से सुबह के 1 बजे फिर चालू हो जाए, तो मैं इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, इसको भी ऑन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे, अब इसे कनेक्शन कैसे करना है। और कनेक्शन आपको कहीं दिख रहे हैं, करने की जगह दिख रही है आपको कहीं, इधर दिख रहा है कुछ नहीं, इधर दिख रहा है नहीं, इधर दिख रहा है ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा है, नीचे कुछ नहीं है। तो अभी देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जगह दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप वायर कैसे लगाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 स्क्रू दिख रहे हैं, ये आपको स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो स्क्रू आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं, तो अब मैं इसको फटाफट खोल लेता हूँ। ये मैं इसको ओपन किया, ये इसका फ्रंट कवर होता है, इसको आप हटा दीजिए। देन उसके बाद आप जब ये कवर हटाएंगे ऊपर ऊपर स्लाइड करके, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कनेक्शन करने की जगह। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, 1 और 2 में क्या देना है, मेन सप्लाई। तो यहाँ पे देखो मेन M लिखा हुआ है और AC सप्लाई लिखा हुआ है, मतलब आपको AC देना है, DC नहीं देना। तो यहाँ लिखा है 3 4 5, इसका मतलब क्या है, ये रिले के आउट, ये मतलब इसके आउटपुट है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम NONC। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या है, कॉमन है, 4 आपका NO है और 5 आपके NC है, ठीक है। तो मैं आप अगली वीडियो आपको बताऊंगा कि रियल में इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, आपको लोड के साथ कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा और उसको बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग और सेट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको रियल में और ज़्यादा प्रैक्टिस नॉलेज हो जाए, ताकि आप इजिली कहीं भी प्रोग्रामिंग साइट पर कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। ओके, थैंक यू।